खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ करता हूं और वो सत्य आप तक लेकर पहुंचाता हूं जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत से छोड़ देती है। अखबारों के हेडलाइंस देख रहे हैं, शायद अखबार आपके घर नहीं आ रहे होंगे, इसलिए मैं बताता हूं। आज के हेडलाइन देखा था आपने अखबार का, 35,000 करोड़ जो केंद्र सरकार ने केवल वैक्सीन के नाम पर बजट में रखा था उसे उपयोग नहीं किया है, राज्यों पर भार डाल दिया है। जब वैक्सीन देने की बारी आई, आपको याद है चुनाव के दौरान घूम घूम कर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी ये वादा कर रहे थे कि अगर बिहार में सरकार एनडीए की बन जाती है दोबारा तो वो वैक्सीन देंगे हर व्यक्ति को बिहार के। अब आपको पता होगा कि ये जो भार है ये पूरी तरह से बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर डाल दिया गया है, यानी केंद्र सरकार वैक्सीनेशन में केवल वैक्सीन मुहैया करा सकती है, उसको अगर पैसे दिए जाए तो। इसमें भी बहुत सारा झोलझाल है, जहां केंद्र सरकार को वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो बहुत सस्ते में दे रहा है, वहीं राज्य सरकारों को तिगुने चौगुने दाम पर दिया जा रहा है। इसको लेकर बवाल तो जमकर हो रहा है, ममता बनर्जी से लेकर मायावती और बहुत सारे विपक्ष के नेता सभी ने लगभग इस पर आवाज उठाई है, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला है। नीतीश कुमार पर भाजपा बिहार में भी हमला कर रही है, नाइट कर्फ्यू क्यों लगा रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं रैली हो रहा है, रैली कीजिए शायद कोरोना भाग जाए। ये सारे छींटाकशी बिहार में नीतीश कुमार पर की जा रही है भाजपा के द्वारा, लेकिन चुप्पी, नीतीश जी की तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंस। उपेंद्र कुशवाहा बोलने आए, उनको कह दिया गया कि अरे लहसुनिया प्याज है, ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं बिहार में जो इस वक्त सुनकर भी दुख हो रहा है। देखिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा और नीतीश कुमार आपस में किस हद तक जा सकते हैं, लंगोटा पकड़ के उठाकर पटक भी दे नीतीश कुमार का कोई भाजपा का नेता तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त दुख और जगहों पर हमारा बटा हुआ है। बिहार में कोरोना की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है, इतनी भयावह हो गई है कि मैं शब्दों से समझा नहीं सकता हूं, और तस्वीरें हम दिखाएंगे नहीं आपको। इन गंदी तस्वीरों को दिखाकर आपके मानस पटल पर कोई छाप नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित रहिएगा कि मर ही जाइएगा तो कोरोना आपको मार ही देगा, इसीलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव खबरों पर ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, बिहार की सियासत से तो वास्ता आपका है, आपने चुनकर सरकार लाई थी, जान पर खेलकर वोट करने गए थे, और जो सरकार बनी है उसकी स्थिति ऐसी है कि समझ नहीं आ रहा है जी, कौन मालिक है, कौन नौकर है, कौन डिसीजन लेगा, कौन गार्जियन है, कौन पीछे केवल बैठ के मलाई चाट रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आज नीतीश कुमार पर जिस तरह से हमला भाजपा कर रही है ये किसी भी राजनीतिक तकाजे का परिचय नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में आपने जदयू के सारे विधायकों को अपने पाले में कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राजनीतिक छींटाकशी नहीं थी, ये एक राजनीतिक चाल थी। लेकिन बिहार में तो आप गठबंधन में और सरकार बना रहे हैं, सरकार बना चुके हैं आप, सरकार का हिस्सा है, और तब आप एक दूसरे पर इस तरह से हमला कर रहे हैं। ललन सिंह ने तो औकात याद दिला दी है, संजय झा ने कहा कि जाके कंप्लेन कीजिए, टोल फ्री जो नंबर है उस पर कंप्लेन कीजिए। ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आप नहीं हैं, ज्यादा कूदिए मत। अब यही सारी बातें जब कही जा रही हैं भाजपा की तरफ से रिपीट होकर तो मामला एकदम गंदा होता जा रहा है। मैंने परसों कहा था आपसे कि गैंगवार हो रहा है बिहार में, आपको समझ नहीं आता है। जब आप यही हमारी ही कही हुई बातें अखबार में 3 दिन बाद पढ़ते हैं तो आपको लगता नहीं सही बोला था नमन मिश्रा, उस वक्त ज्यादा बोल गया था लेकिन अब सही लग रहा है। तो बार बार तो प्रूफ नहीं दे सकता हूं, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि नीतीश कुमार सहम गए हैं, नीतीश कुमार सामने आकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। दो बातें हैं, दो इसके मुख्य कारण हैं। एक, भाजपा जिस तरह से नीतीश कुमार पर ब्लेम लगा रही है और जिस तरह से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर रही है, नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार में कई लोगों की जान जाने वाली है, ये सबसे बड़ी त्रासदी बिहार की होने जा रही है, और इसके पीछे केवल एक ही कारण है, कोरोना, और कोरोना के पीछे खड़ा है भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व। नीतीश कुमार को ऐसे स्थिति में फंसा दिया गया है जहां से उनका जो मोरल कंपास है वो तो काम नहीं कर रहा, वो तो काफी दिनों से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी मोरालिटी भी खत्म हो जाएगी। जनता की नजर में नीतीश कुमार का जो छवि है वो पहले से भी खराब है, 28 विधायक ऐसे नहीं हारते, अब और खराब हो जाएगा, क्योंकि भाजपा पीछे खड़े होकर ब्राउनी पॉइंट्स ले रही है। वो भाजपा जो बंगाल में रैलियां कर रही है लगातार, जिसके नेता बिना मास्क के रैलियां कर रहे हैं और बड़े बड़े भीड़ जुटा रहे हैं, वो बिहार में ज्ञान दे रही है नीतीश कुमार को।
ठीक है आप दीजिए ज्ञान, लेकिन उसके बारे में भी तो कुछ बोलिए। परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज लोजपा को एक बार फिर से बिहार में संजीवनी मिल गई है। लोजपा ने जमकर हमला कर दिया है। लोजपा के जो बिहार के प्रवक्ताओं की फौज चिराग पासवान ने तैयार कर दी है, उन्होंने तो नीतीश कुमार को बेइज्जत से बेइज्जत से भी बड़े बेइज्जत कर दिया है। अगर लोजपा के जो एक यहाँ बिहार के प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, कृष्ण कल्लू नाम है उनका, उन्होंने तो नीतीश कुमार को नपुंसक तक कह दिया है। राजनीतिक मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। बिहार में नीतीश कुमार केवल अभी भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो एक ही कारण हो सकता है कि शायद कुर्सी पर से उठेंगे तो कोई कह दिया हो कि जान भी जा सकती है, वरना इस कुर्सी पर अब बैठने का कोई औचित्य बनता नहीं है। देखिए, हो सकता है आपको लगता हो कि मैं नीतीश कुमार का विरोधी हूँ, लेकिन नीतीश कुमार के जितनी बातें मैंने पॉजिटिव कही हैं आज तक उतना कोई बिहार का पत्रकार नहीं कहता है। मैंने वक्त से पहले नीतीश कुमार को हर बार आगाह कराया है और आज भी आगाह कर रहा हूँ कि नीतीश जी संभल जाइए। अभी भी आपके पीछे जिस तरह से भाजपा पड़ी हुई है, अपने ही लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको दुश्मन मार्केट में खरीदने नहीं जाना है, घर में आपके दुश्मन बैठे हुए हैं, और जिस तरह से भाजपा आप पर हमला कर रही है, आप अगर चाहते हैं कि ललन सिंह से, आरसीपी सिंह से और उपेंद्र कुशवाहा से आप अगर बयान दिलवाकर भाजपा को चुप करा दीजिएगा तो संभव नहीं है। आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं केंद्र सरकार पर। आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको सिप्ला की दवाई रेमडेसिविर चाहिए, आपको लगातार बेड्स चाहिए, आपको डीआरडीओ द्वारा दिए गए, तेजस्वी कह रहा है कि आप मांग कीजिए, लेकिन आप मांगते नहीं हैं। आप इसलिए नहीं मांगते हैं कि दो कारण है इसके। एक तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा कि नहीं, हम बहुत बड़े हैं, हमारे चेहरे पर चुनाव जीता जाता है। आपका चेहरा तो देखने लायक नहीं रहा, किस चेहरे की बात कर रहे हैं। आज जो परिस्थितियां बनी हुई है, एक छोटा राजनीतिक बहुत छोटा बच्चा आपसे आपको लगातार इनपुट्स दे रहा है, आपको सजेशन दे रहा है। आप जब लड़ रहे हैं आपस में तो वो कह रहा मत लड़ो। कौन नैतिकता, किसकी नैतिकता भारी हो रही है, कौन यहां बड़ा बन रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। अब चिराग पासवान ने जिस तरह से आप पे हमला कर दिया है और भाजपा के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लिए हैं, आपका राजनीतिक जो कहा जा सकता है ये गैंगअप करके समाप्त किया जा रहा है और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। देख लीजिए कैसे लोजपा के लोग लगातार आप पर हमला कर रहे हैं। नपुंसक वाला बयान तो आपने देख लिया होगा ना, अब दूसरा बयान देखिए। देखिए कैसे ये राजेश भट्ट हैं, क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। कहते हैं पृथ्वी पर अगर कोई दूसरा भगवान है तो वो डॉक्टर है, लेकिन सरकार में शामिल जदयू के एक प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने जब अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से तमाम बिहारवासियों को एक नकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि चारों तरफ मातमी कोहराम है, चाह के भी मरीजों को बचा नहीं सकते, सब लोग घर में रहिए, अगर किसी को लक्षण है तो आइसोलेट हो जाएं, यह प्राकृतिक प्रकोप है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उनका यह ट्वीट सरकार की विफलता और असफलता का जीता जागता प्रमाण है। सरकार में शामिल बतौर प्रवक्ता का जब आधिकारिक बयान उनके ट्विटर हैंडल से सरकार की पूरी तरह पोल खोल कर रख दी है, ऐसे में तमाम बिहारवासी इस आपदा की स्थिति में कहां जाएं? लोक जनशक्ति पार्टी उनसे जानना चाहती है कि कोरोना के तमाम इंतजाम करने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या पूरी तरह विफल हो गए हैं? अगर विफल हो गए हैं तो उन्हें फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे भी बिहार में आलम यह है कि मरीजों के परिजन अपने मरीजों को लेकर अस्पतालों के चौकट पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। अस्पताल में ना तो पर्याप्त बेड हैं, ना ऑक्सीजन और ना ही दवाएं मौजूद हैं। ऐसे में सरकार के बड़े बड़े दावे सारे कोरे साबित हो रहे हैं। तो आपने सुन लिया, लोजपा के बिहार के ये प्रवक्ता हैं और जिस तरह से आपकी धज्जी उड़ा रहे हैं, आपके नेता की धज्जी उड़ा रहे हैं, क्या आवश्यकता थी इस वक्त ऐसे बयान को देने की? जिस तरह से अजय आलोक ने जो अलग अलग जो बातें कही हैं वो कहीं से गलत नहीं है।
इस बात में 100% सच्चाई है, लेकिन जब आप इतने बड़े पद पर होते हैं, इतनी बड़ी गरिमा आपके पद की होती है, तब आप इस तरह से पैनिक नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आपको हमेशा बोलना होता है कि सिचुएशन कंट्रोल है। हाँ, झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां इस तरह से विकट भी बनाकर आप नहीं रख सकते हैं। आज जिस तरीके से चिराग पासवान ने आप पर हमला कर दिया है, जिस तरीके से आप पर भाजपा हमला कर रही है, तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, पप्पू यादव हमला कर रहे हैं, आप सभी की तरफ से एक सिंगल टारगेट बन गए हैं। और आने वाले समय में आपको समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ आपकी राजनीति को लेकर लोग जा रहे हैं। अंतिम पड़ाव है, कोई चाहता है इस तरह से रिटायर होना, कोई चाहता है ऐसे मुकाम पर आकर अपनी राजनीति को, अपने सफर को खत्म करना। देखिए, एक और युवा नेत्री है, क्या कुछ कह रही हैं लोजपा की, किस तरह से आपके सरकार की धज्जियां उड़ा रही हैं, आपकी धज्जियां उड़ा रही हैं। तो अंततः जदयू से जो उम्मीद थी वही हुआ। जदयू के प्रवक्ता और नेता डॉक्टर अजय आलोक ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके अंततः हार मान ली है और उन्होंने ये कह दिया है कि हमने बिहार के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। बिहार के लोग भी ये जान ले कि उनके मुख्यमंत्री जी उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ट्विटर पर इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। जदयू के प्रवक्ता और नेता डॉक्टर अजय आलोक का कहना है कि इस परिस्थिति में वो क्या, नीतीश कुमार क्या, कोई भी किसी की भी मदद नहीं कर सकता है। उन्होंने जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। अब ऐसे में जनता अपनी रक्षा तो कर ही लेगी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब आप इतने विकट परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से हाथ धो रहे हैं और जनता को उनके हाल पर छोड़ रहे हैं, तो आपको क्या हक है सरकार में बने रहने का, क्या हक है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बने रहने का। लोजपा के प्रवक्ता होने के नाते मैं ऐसे मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के लिए स्वीकार नहीं करती हूँ, और मैं ये मांग रखती हूँ कि मुख्यमंत्री जी अब इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि जनता को तो आपने उनके हाल पर छोड़ ही दिया है, तो अब आपको कुर्सी धारण करने का कोई हक नहीं बनता है। सुन लिया आपने, सुरभि ठाकुर नाम है इनका, लोजपा की प्रवक्ता है। जिस तरीके से ये आपको आईना दिखा रही हैं, आपको अभी अगर समझ में नहीं आता कि आपकी शकल पर जो धूल है वो आपको मिटाना पड़ेगा, आईने को बार बार साफ करके नीतीश कुमार जी, काम नहीं चलने वाला है। आपने शराबबंदी लागू की, बिहार के लोगों ने मान लिया, लेकिन आपकी पुलिस नहीं मानती है। आप में इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि आप अपनी पुलिस से शराब छुड़वा सके। शराब का व्यापार हर मोहल्ले में हो रहा है, आप अच्छे से जानते हैं। ये मान नहीं सकता हूं मैं कि आपके पास इनपुट नहीं होगा। लोग कहते हैं कि आपके लोगों तक टैक्स पहुंचता है इस फर्जी शराब के ट्रेड का, तो बधाई हो, आपने कहीं ना कहीं बिहार को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जहां इस देश में कोरोना फैल रही है तो लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, 2 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, 3 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहीं बिहार में लोग सोच रहे हैं कौन बचेगा और कौन निपट जाएगा। हर घर से लाशें निकल रही हैं। अब तो होश में आ जाइए, अब तो समझ लीजिए जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका दुश्मन कोई नहीं है, वरना आपको बार बार इसकी एक ही कुर्सी है बिहार में मुख्यमंत्री की, बार बार आपको बिठा देते हैं, एक ही कुर्सी है, इतने सारे लोग हैं लगातार आपको बिठाते रहते हैं, कुछ जरूर आप में देखा होगा तभी आपको बिठाते हैं। वापस आइए, एक बार फिर से पुराने रौब में वापस आइए। अब ये डिजास्टर का समय है, ये ऐसा समय है जब वाकई आपको अपने बैक टू बेसिक्स जाना होगा। और आज अगर नीतीश कुमार 1 आप बिहार को दे देते हैं, तो इससे बड़ा आप जाते जाते बड़ा कुर्बानी आप बिहार के लोगों के लिए नहीं कर सकते। तो आज के पंचनामा में इतना ही। खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, अगर खरी खरी सुनने की आदत नहीं हो तो बिहार में और भी कई दुकान खुले हुए हैं, उन दुकानों में जाकर आप जो खबरें सामान है वो देख सकते हैं। अच्छा लगे तो वहीं रह जाइएगा, नहीं अच्छा लगेगा, अगर लगता है कि भारत लाइव अच्छा है तो यहीं आकर बैठिए, सुनिए, बातचीत कीजिए। 2-वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी बात आकर कमेंट में रखिए ताकि मैं भी आपसे बात कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 8167 00। धन्यवाद।